परिवार, विरासत, संस्कार, ये वो शब्द हैं जो किसी भी इंसान के आचरण में झलकते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में झलकते हैं। किसी भी इंसान के आचरण से पता चल जाता है कि वो किस तरह के परिवार से संबंध रखता है, उसे किस तरह के संस्कार दिए गए हैं, उसे विरासत में क्या मिला है। घोटालों का पर्याय बन चुकी कांग्रेस की पीढ़ियों को विरासत में मिला भ्रष्टाचार करने का तरीका, गरीबों का दमन, तुष्टिकरण करना, जिसे नेहरू गांधी परिवार की पीढ़ियों ने बड़ी ही कुशलता से आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी ने नेहरू से मिली भ्रष्टाचार की विरासत को बड़े ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। साल 1974, इंदिरा गांधी की सरकार में जो मारुति घोटाला हुआ, उसमें इंदिरा गांधी ने नियमों का उल्लंघन कर लाभ पहुंचाया। इस कंपनी को लाइसेंस दिलाने में भी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री होते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। मारुति टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड में सोनिया गांधी को एमडी बनाया गया, जबकि सोनिया गांधी के पास जरूरी तकनीकी योग्यता भी नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स, फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली, लेकिन कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी। सरकार के पैसों को इंदिरा ने मारुति पर लुटा दिया। इस घोटाले के बाद भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय भी इंदिरा गांधी ने ही लिखा। President has proclaimed emergency. साल 1975, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का कत्ल किया। पूरी दुनिया ने देखा कि संविधान के दिए हक लोगों से छीन लिए गए। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जो मन में आया वो किया। इतना सब करने के बाद भी इंदिरा गांधी नहीं रुकी। 1976 में तेल को भविष्य में मौजूदा कीमतों पर डिलीवरी लेने के लिए हांगकांग स्थित फर्जी कंपनी कुओ ऑयल को $200 मिलियन का अनुबंध दिया गया था, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और ये भी सामने आया कि ये पैसा परोक्ष रूप से इंदिरा गांधी को जाता था। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो फिर वही लूट की आंधी शुरू हुई। 1981 में अंतुले ट्रस्ट प्रकरण की गूंज जो महाराष्ट्र में हुई, उससे दिल्ली हिल उठी। ये प्रकरण सीमेंट घोटाले से संबंधित था। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे A.R. अंतुले। अंतुले पर आरोप था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान जैसे कई ट्रस्टों के लिए पैसा जुटाया। जो ट्रस्ट को पैसा देते थे उन्हें सीमेंट का कोटा दिया जाता था। इंदिरा गांधी के नाम से बने ट्रस्ट में इंदिरा का पूरा हस्तक्षेप था। इंदिरा ने एक पत्र लिखकर इससे जुड़ने में अपनी खुशी व्यक्त की थी। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान में से इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया। मामला कोर्ट गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतुले को दोषी ठहराया। तब जाकर अंतुले ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। नेहरू के भ्रष्टाचार की विरासत को जितनी बखूबी से इंदिरा ने निभाया, उतनी ही बखूबी से राजीव गांधी ने नेहरू इंदिरा से मिली भ्रष्टाचार की विरासत को आगे बढ़ाया। राजीव गांधी सरकार में हुए बोफोर्स घोटाले ने ये साबित कर दिया कि राजीव गांधी ही कांग्रेस की विरासत संभालने के असली हकदार थे। 1986 में स्वीडन की AB बोफोर्स कंपनी से राजीव गांधी सरकार ने तोपे खरीदने का सौदा तय किया। इस डील को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। स्वीडिश रिपोर्टों में दावा किया गया कि बोफोर्स ने सौदा हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं को रिश्वत दी थी। इस घोटाले से जुड़ा बिचौलिया एक इतालवी व्यापारी ओटावियो क्वात्रोची था। क्वात्रोची राजीव गांधी के परिवार का करीबी था और 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार के लिए दलाली का काम करता था। राजीव गांधी के समय में तो एक ऐसा भी घोटाला सामने आया जो इंदिरा गांधी के समय से चल रहा था, वह था HDW सबमरीन घोटाला। भारतीय नौसेना को ऐसी पनडुब्बी की जरूरत थी जो समुद्र में 350 मीटर की गहराई तक गोता लगा सके। कई कंपनियों के आवेदन आए, लेकिन कांग्रेस सरकार में एक ऐसी कंपनी के साथ सौदा किया गया जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। वो थी जर्मनी की HDW कंपनी, जो मानकों को पूरा नहीं करती थी। फिर भी कांग्रेस ने कंपनी से ज्यादा कीमत पर सौदा किया, क्योंकि वो कमीशन दे रही थी।
इस मामले का जब खुलासा हुआ और कंपनी से कीमत कम करने के लिए कहा गया, तो 24 फरवरी 1987 को बॉन में भारत के राजदूत जेसी अजमानी ने उस वक्त के रक्षा मंत्री वीपी सिंह को एक गुप्त टेलीग्राम भेजा, जिसमें कहा गया था कि जर्मन कीमत कम करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि टेंडर हासिल करने के लिए उन्होंने 7% का कमीशन चुकाया था। यह टेलीग्राम वीपी सिंह ने अप्रैल 1987 में पढ़ा और जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच आदेश देने के 3 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1987 को उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस की पीएम पसंद भी वही नरसिम्हा राव बने जो पहले भी एक घोटाले में शामिल थे। इट इज नॉट ए हर्षद मेहता स्कैम, इट इज अ पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। इंग्लैंड में पिकल किंग कहे जाने वाले गुजराती एनआरआई लखू भाई पाठक ने भारत में नरसिम्हा राव के तांत्रिक दोस्त चंद्रा स्वामी और उनके साथी के एन अग्रवाल उर्फ मामा जी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। लखू भाई पाठक ने कहा था 1983 में वे अमेरिका के एक होटल में नरसिम्हा राव और तांत्रिक चंद्रा स्वामी से मिले थे और दोनों ने उनसे वादा किया था कि वे उन्हें भारत में न्यूज प्रिंट पेपर और लुगदी की सप्लाई का काम दिलवाएंगे। लखू भाई पाठक ने रिश्वत के तौर पर तांत्रिक चंद्रा स्वामी को 2,70,000 और $73,000 के 2 चेक दिए। जब 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनी और नरसिम्हा राव विदेश मंत्री नियुक्त हुए, लेकिन लखू भाई को भारत में काम नहीं मिला। लखू भाई पाठक ने 1988 में सीबीआई को एक एफआईआर दर्ज कराई। 1996 में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम ने नरसिम्हा राव, चंद्रा स्वामी और मामा जी को दोषी करार दिया। उसके बाद 30 जुलाई 1996 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएमएम के फैसले को जारी रखते हुए तीनों को दोषी पाया था। नरसिम्हा राव में वो सारे गुण थे जो एक कांग्रेसी पीएम में होने चाहिए, इसलिए नरसिम्हा राव को पीएम बनाया गया। कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार में सबसे पहले सामने आया हवाला स्कैंडल। हवाला स्कैंडल में कई राजनेताओं के नाम आने से संसद में जमकर हंगामा हुआ। 1991 में दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए अशफाक लोन को पकड़ा, जिससे पता चला कि दिल्ली का एक जैन परिवार हवाला के रास्ते इस संगठन को पैसे देता था। सीबीआई ने सुरेंद्र जैन को उसके घर से गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक डायरी मिली जिसमें कई राजनेताओं के नाम शॉर्ट में लिखे थे। यह 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिश्वत घोटाला था। साल 1993 में विपक्ष कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस को सरकार गिरने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने जादुई तरीके से संसद में समर्थन हासिल कर लिया। बाद में जब इस जादुई तरीके का खुलासा हुआ, तो पता चला कि कांग्रेसियों ने उद्योगपतियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के 4 सांसदों को भारी घूस देकर अपनी सरकार के समर्थन में वोट करवाया था। ट्रायल कोर्ट ने नरसिम्हा राव को दोषी ठहराया था। कांग्रेस में पीएम के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन कांग्रेस का चाल चरित्र नहीं बदला। पीढ़ी दर पीढ़ी देश को लूटने वाले आगे भी नहीं रुके। जब सोनिया राहुल के समय में कांग्रेस को देश की बागडोर मिली, तो एक रिमोट से चलने वाले को पीएम बनाकर किस तरह देश को लूटा गया, इसकी कहानी अभी बाकी है।